चलिए इंटरनल ट्रेंड को आज आगे बढ़ाते हैं। पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने इटिनरेंट्स के बारे में डिस्कशन करा। इटिनरेंट्स का मतलब वो सारे रिटेलर्स जिनके पास अपनी फिक्स्ड शॉप्स नहीं होती, फिक्स्ड प्लेस ऑफ ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन आज बात करने वाले हैं फिक्स्ड शॉप्स रिटेलर्स के बारे में, यानी कि ऐसे शॉपकीपर्स जिनके पास अपनी फिक्स्ड शॉप्स हैं। इसमें दो कैटेगरीज में मेनली डिविजन है। पहली कैटेगरी कौन सी है? स्मॉल शॉपकीपर्स। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? लार्ज रिटेलर्स। मतलब कि हमारे एनसीईआरटी में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फिक्स्ड शॉप्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, स्मॉल शॉपकीपर्स और लार्ज रिटेलर्स। आज का जो बेसिक फोकस रहेगा वो स्मॉल शॉपकीपर्स के ऊपर रहेगा। मैंने लिखा जरूर है लार्ज को इसमें, लेकिन लार्ज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज वेल एज थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा मैं। तो आज हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, इन्हीं को अच्छे से समझेंगे। देखिए, चार कैटेगरी स्मॉल शॉपकीपर्स में आएंगी, बहुत ध्यान से समझनी है। जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी शॉप, सेकेंड हैंड गुड शॉप, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। चारों ही जो है थोड़ी सी डिफरेंट है और काफी अच्छी वैरायटीज है, आप लोगों ने इनके बारे में सुना है। तो अगर आपको ये याद रखना है तो आप स्मॉल शॉपकीपर्स को याद कर लीजिए GSQ, यानी कि स्मॉल शॉपकीपर्स जो है वो GSQ है। GSQ का मतलब जनरल स्टोर, फिर 3S है स्पेशलिटी शॉप, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, सेकेंड हैंड गुड शॉप। मतलब कि जब भी आपके माइंड में स्मॉल शॉप आए तो उस केस में आपको याद रखना है GSQ, यानी तीन तो S, कौन कौन से? स्पेशलिटी शॉप, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकेंड हैंड गुड्स, और G से क्या है? जनरल स्टोर्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स आप सब जानते हैं, आपको पता है जनरल स्टोर्स क्या होते हैं। आपकी लोकेलिटी में जितनी भी ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो कि बहुत लार्ज स्केल पे काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी एक ऐसी दुकान है जिसपे ऑलमोस्ट बहुत सारे तरीके के गुड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, यानी हर तरीके का सामान वहां से लगभग मिल जाएगा। तो दीज आर फाउंड इन लोकल मार्केट्स या फिर रेजिडेंशियल एरियाज, मेनली आपको लोकल मार्केट्स में या फिर रेजिडेंशियल एरियाज में मिलेंगे। दे कैरी अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है। मतलब अगर आप एक कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी लेने जाते हैं, अगर आप स्टेशनरी आइटम्स लेने जाएंगे इनके पास वो भी मिलेगी, अगर आप कंज्यूमेबल गुड्स लेने जाएंगे इनके पास वो भी मिलेगी, हर तरीके की वैरायटी इनके पास अवेलेबल होती है। दे मेनली डील्स इन कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ये मेनली किस में डील्स करते हैं? कंज्यूमर गुड्स। अब सर कंज्यूमर गुड्स तो है, दूसरे कौन से तरीके के गुड्स होते हैं? दूसरे तरीके के गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स। आपको पता है दो तरीके के गुड्स में मेनली डीलिंग होती है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स तो फिक्स एसेट्स में हो गए मेनली, कि प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, इस तरीके के गुड्स सारे कौन से जाते हैं? कैपिटल गुड्स। तो इसमें डीलिंग नहीं करते, इसमें डील करते हैं कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट क्या लिखा है? कन्वीनियंस इन बाइंग, इनसे बाय करना काफी कन्वीनियंट रहता है। कन्वीनियंट क्यों रहता है? क्योंकि एक तो बहुत सारी वैरायटी देते हैं, आपको पर्सनल टच मिलता है, आपको वहीं के वहीं सामान दिखाएंगे, अवेलेबल कराएंगे, सारे फीचर्स के बारे में बताएंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको क्रेडिट पे भी दे देंगे। मतलब कि जैसे हमारी लोकेलिटी में शॉप्स होती हैं तो इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, तो अगर एट दैट टाइम आपके पास पैसे नहीं है या यू आर इन शॉर्टेज ऑफ फंड्स, तो एट दैट टाइम दे विल प्रोवाइड यू गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब कि आपको उधार पर भी गुड्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था फ्रेंड्स जनरल स्टोर्स के बारे में, मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर होगा। आप एनसीईआरटी से ध्यान से रीडिंग कीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? स्पेशलिटी शॉप्स। अब देखिए बहुत स्टार टॉपिक है ये, स्टार का मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशलिटी और जनरल, इसमें डिफरेंस क्या है? स्पेशलिटी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसे स्टोर्स हैं जो किसी स्पेशल या एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट से क्या मतलब है मेरा? कि फॉर एग्जांपल आप ये कह लीजिए कि गारमेंट्स अगर मैं बात करूं तो वो जनरल में आ जाता है कि उसके पास हर तरीके के गारमेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ किड्स वियर है या किड्स गारमेंट है, कि हमारा जो टारगेट मार्केट है वो सिर्फ किड्स है, मतलब कि सिर्फ बच्चों के कपड़े मिलेंगे, तो वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड है, उन चीज में उनकी स्पेशलिटी है। तो इसीलिए ऐसे शॉप को क्या बोला जाता है? स्पेशलिटी शॉप। दे स्पेशलाइज इन द सेल ऑफ स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। These are generally located in center of the town. Generally कहाँ पर देखने को मिलेंगे? Center of the town में मिलेंगे। और generally कौन से products में deal कर रहे होंगे? Specialized products. Specialized का मतलब किसी भी एक particular line of product में आपको ये deal करते हुए मिलेंगे। अब बहुत common होता जा रहा है आजकल, काफी देखने के लिए मिल रहे हैं हमें specialty shops। चलिए आगे बढ़ते हैं। Third आता है हमारे पास street stall holders। अब सर street stall holders कौन होते हैं? देखिए आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे शॉप्स होते हैं
जो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत लार्ज पॉपुलेशन गैदर करती है, जैसे कि आप देख लीजिए रेलवे स्टेशन के पास या फिर बस स्टैंड के पास, इनके पास अपनी फिक्स शॉप्स होंगी और ये लोग किस में डील कर रहे होंगे, बहुत ही चीप वैरायटी ऑफ गुड्स में। जैसे इनके पास आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएंगे, सिगरेट्स मिल जाएंगे, चिप्स के पैकेट्स मिल जाएंगे, यानी ईटेबल्स मिल जाएंगे, कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब कि ऐसे गुड्स जो कस्टमर को बहुत फास्ट मूविंग गुड्स हैं, बहुत जल्दी बिक रहे हैं और बहुत छोटी जगह में बेचे जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े स्टोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। दीज आर फाउंड एट प्लेसेस ऑफ हैवी फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर फ्लो ऑफ ट्रैफिक काफी हैवी है। दे मेनली डील्स इन वैरायटी ऑफ चीप गुड्स। चीप गुड्स में डीलिंग करेंगे जैसे सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। दे हैंडल गुड्स ऑन स्मॉल स्केल। इनका जो काम करने का स्केल है बहुत लार्ज नहीं है, ये स्मॉल स्केल पर काम करते हैं और काफी अच्छा काम कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड हैंड गुड शॉप। सेकंड हैंड गुड शॉप को क्या मतलब है, अब सर ये सेकंड हैंड गुड शॉप कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोग कौन से गुड्स में डील करेंगे, सेकंड हैंड या फिर यूज्ड गुड्स। दीज शॉप्स डील्स इन यूज्ड गुड्स और सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स को क्या मतलब है, ऐसे गुड्स जो कि पहले कोई कस्टमर यूज कर चुका है अब सेकेंडली बिक रहे हैं। अब अगर ऑनलाइन एग्जांपल लूँ मैं सेकेंड हैंड गुड्स का, तो ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो कहाँ से मिलते हैं, OLX सुना होगा आपने, ये सब किस में डीलिंग करते हैं, सेकेंड हैंड। लेकिन यहाँ पर हम फिजिकल शॉप्स की बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे। इसके बाद क्या आता है, दीज आर लोकेटेड इन बिजी स्ट्रीट्स। कहाँ पर लोकेटेड होंगे, मेनली बिजी स्ट्रीट्स जहाँ पर इस केस में भी फ्लो ऑफ ट्रैफिक रहेगा, ऐसी जगह नहीं होगी जो खाली है। इसके बाद मेनली डील्स इन, मेनली किस में डील करते हैं, बुक्स किताबों में, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स कार्स वगैरह में, फर्नीचर एटसेट्रा। तो ये थी फ्रेंड्स आज के हमारे टॉपिक की बेसिक चार हेडिंग्स जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ना था। अब आपको याद रखना है कि अगर स्मॉल शॉपकीपर्स आते हैं तो चार होंगे, जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी शॉप्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप्स। अब अगर हम बात करें लार्ज रिटेलर्स की, कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट इनके अंदर हमने मेनली पांच हेडिंग्स पढ़नी है, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वेंडिंग मशीन्स और मेल ऑर्डर हाउसेस। तो ये पांच करके हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो कल इस चैप्टर को खत्म करना है, खत्म करते ही हमारे दो चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, दैट इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपने कितना काम कर लिया, आपके दोनों चैप्टर तैयार हो गए हैं या नहीं। तो सी यू सून गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद इकोनॉमिक्स की वीडियो के साथ।